Everyone, welcome to my YouTube channel. Today we'll be teach about Stirling boiler. What is a Stirling boiler? A Stirling boiler is one of the most basic variety of vent tube boiler. In most of the modern thermal power generation plants, used to vent tube boiler. A Stirling boiler is one of the largest capacity boiler. A Stirling boiler can generate as high as 50,000 kg steam per hour and can produce pressure as high 60 bar. This boiler was first designed in the year of 1888 by Alan Stirling. So we refer the boiler as Stirling boilers. Because of the rough capacity, we can use this boiler in central power station. यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये स्केच बना हुआ है स्टर्लिंग बॉयलर का। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे तीन ड्रम लगा हुआ है, ठीक है, तीन ड्रम है और हमारा यहाँ पे जो है दो मड ड्रम लगा हुआ है, कहीं कहीं पे एक मड ड्रम भी लगा हुआ होता है। जनरली हम लोग जो ये मड जो ड्रम है ये क्या है, जो ये नीचे जो है हमारा मड ड्रम है, ये हमारा क्या है, ये तीन जो है हमारा स्टीम ड्रम है। इसमें क्या होता है कि हाफ पोर्शन में वाटर होता है और हाफ पोर्शन में स्टीम होता है। इसमें ये इक्वलाइजिंग वाटर के साथ, ये हमारा देख रहे हैं वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब्स लगा हुआ है। तीनों जो हमारा जो स्टीम ड्रम है, ये तीनों ड्रम में हमारा वाटर जो होता है और स्टीम इक्वल होता है, ठीक है। नीचे हमारा जो देख रहे हैं ये वाटर सर्कुलेटिंग ट्यूब लगा हुआ है और ये हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, स्टीम सर्कुलेटिंग ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो तीनों ड्रम में हमारा क्या होता है कि इक्वल स्टीम और वाटर होता है। यहाँ पे वर्क कैसे करता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ये ट्यूब लगा हुआ है और ये वेंट ट्यूब है। जनरली हम लोग यहाँ पे वेंट ट्यूब लगाते हैं कि जब हमारा ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है तो ट्यूब के अंदर वाटर सर्कुलेट होता है और सराउंडिंग में हॉट गैसेस होता है, जिससे हमारा क्या होता है कि हमारा ज्यादा हीट अप होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिससे हमारा जो ट्यूब है वो टूटने का डर होता है। इस वजह से यहाँ पे हम ट्यूब को वेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि ये सेफ्टी वाल्व एक लगा हुआ है। सेफ्टी वाल्व का काम क्या होता है कि अगर मेरा प्रेशर अगर बहुत ज्यादा एक्सेस, अगर स्टीम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया जितना होना चाहिए, उस कंडीशन में सेफ्टी वाल्व ओपन हो जाता है और एक्सेस स्टीम एटमोस्फेयर में बाहर निकल जाता है। और ठीक है, ये है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फीड वाटर से हम लोग यहाँ पे वाटर को फीड करते हैं। यहाँ पे फीड वाटर पंप भी लगा हुआ होता है, उसको फीड करते हैं। जब यहाँ पे वाटर को जब फीड करते हैं तो ये हमारा ट्यूब के अंदर क्या होता है, वाटर यहाँ से कहाँ पे आएगा, ये हमारा ड्रम में आएगा, मड ड्रम के अंदर आएगा। जनरली होता क्या है कि जो हमारा जो स्टीम ड्रम है इसका जो डायमीटर लेते हैं वो अप्रॉक्स 2 मीटर लेते हैं और हमारा जो मड ड्रम का जो डायमीटर होता है वो स्टीम ड्रम के डायमीटर से 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जब हम वाटर को फीड करते हैं तो ये ट्यूब के अंदर ये मड ड्रम में यहाँ पे पहले जमा होता है, फिर इसके बाद इस ड्रम में भी इक्वल वाटर इकट्ठा हो जाता है। उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी जो होता है या कोई डस्ट पार्टिकल है तो हमारा क्या होता है यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्लो ऑफ फॉग के हेल्प से उस जो हमारा मड है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर अगेन यहाँ से पहले इस मड ड्रम के अंदर यहाँ पे वाटर फीड हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर सर्कुलेट होगा जो हमारा सेकेंड स्टीम ड्रम है और जो थर्ड स्टीम ड्रम है, उसके बाद यहाँ से सेकेंड और फिर अगेन यहाँ से थर्ड में भी और सेकेंड में भी यहाँ पे वाटर जाएगा। अब इस तीनों ड्रम के अंदर वाटर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बेफल्स प्लेट भी लगा देते हैं। बेफल्स प्लेट का काम क्या होता है कि ये एज ए डिफ्लेक्ट करता है हॉट गैसेस को और हमारा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और टाइम इंक्रीज करता है, जिससे हमारा वाटर जो है जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। और ये हम लोग एक सुपर हीटर भी लगाते हैं। सुपर हीटर जब हमारा जो स्टीम जब है ना वाटर से जब स्टीम में इकट्ठा हो जाता है तो वैक्स स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करता है, देन वो आगे सप्लाई करता है। अब देखते हैं ये वर्किंग कैसे करता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक यहाँ पे ग्रेट होता है और यहाँ पे ग्रेट होता है और ग्रेट जनरली कास्ट स्टील बार का बना हुआ होता है और ये हम लोग फायर डोर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फ्यूल हम एंटर करते हैं। यहाँ पे एज हम एक पोल यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बर्न करते हैं तो बहुत सारे एस निकलता है, तो इसके नीचे भी एक एसपीट भी लगा हुआ होता है, जो हमारा एस जो होता है वो एसपीट में इकट्ठा हो जाता है।
और ये हम लोग जो देख रहे हैं फायर ब्रिक आर्क लगा हुआ है, ये ईट का बना हुआ होता है फायर ब्रिक आर्क जो है। अब क्या होता है कि जब हम वर्न होता है कोल, तो वर्न होने से जो हमें हॉट गैसेस जो मिलता है, और ट्यूब के अंदर क्या है, ट्यूब के अंदर यहाँ पे वाटर है, तो ट्यूब के अंदर जब यहाँ पे वाटर है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे हमारा जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ये स्टीम में जब कन्वर्ट होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्टीम जो ड्रम इसमें इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर कहाँ जाता है, ये सुपर हीटर में जाता है, जो हमारा जो वैक्स स्टीम है उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, देन उसको हम उसको आगे फिर सप्लाई के यूज के लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से काम करता है स्टर्लिंग बॉयलर। एडवांटेजेज ऑफ स्टर्लिंग बॉयलर, ड्यू टू मल्टीपल पासेस थ्रू द ट्यूब्स बैंक एंड द केयरफुल अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलेशन एंड फीड वाटर, द बॉयलर इज जनरली क्विक एफिशिएंट, द ग्रेट एरिया में इजली बी वैरिड विदाउट अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ द वाटर सर्किट, दिस अलाउ द यूज ऑफ लार्ज ग्रेट फॉर बर्निंग लो ग्रेड फ्यूल्स सच एज वेस्ट एंड रिफ्यूज, इंटरनल एक्सेस टू कंपोनेंट्स इज गुड फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, इन पार्टिकुलर इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस इंडिविजुअल वाटर ट्यूब्स विदाउट नीडिंग टू डिसमेंटल एंड एंटायर बैंक। डिसएडवांटेज ऑफ स्टर्लिंग बॉयलर, द बॉयलर इज फिजिकली लार्ज फॉर इट्स पावर, यूज ऑफ लार्ज डायमीटर ट्यूब्स रिस्ट्रिक्ट इट्स एबिलिटी टू deals with high pressure as other design we are beginning to do around this time. The arrangement of tubes increased efficiency in boiler but no super heater temperature. Thank you. Video देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।